हेलो नमस्कार, कक्षा 12 में रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हम और इसके अंतिम पार्ट में हम और डे 166 में है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसे जस्ट आगे से चल रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है परावर्ती दूरदर्शी, यानी परावर्तन के आधार पर बनी हुई दूरदर्शी। पहले जो हमने दो पढ़ी है, भारतीय दूरदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है, डेरिवेशन पोर्शन है। ये भी पूछ लिए जाते हैं लेकिन ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आते हैं या बड़े क्वेश्चन में आते हैं, दो तीन भागों में आते हैं। दूरदर्शी क्या है, दूरदर्शी के लिए अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में क्या अंतर है और परावर्ती दूरदर्शी का कितने प्रकार की होती है, कैसी ग्रेनियन दूरदर्शी का नामांकित चित्र बनाई, इस तरह से टुकड़ों में दे दिया जाता है। बड़े क्वेश्चन के लिए अगर पूरा कंप्लीट आए तो खगोलीय दूरदर्शी ज़्यादातर पूछा जाता है। अभी हम आज इसे कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक आई है, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्लास में या उसी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पिछले सालों के पेपर्स की। उनको आप ज़रूर ध्यान से देख लें तो पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और इनमें से कौन से टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं परावर्ती दूरदर्शी की। पहली बात तो ये परावर्ती दूरदर्शी की ज़रूरत क्यों पड़ी जब अपवर्ती दूरदर्शी थी पहले से, तो इसका कारण क्या है। अपवर्ती दूरदर्शी जो है उससे जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं पूरी तरह से। उनमें दो दिक्कत रहती है, एक तो होता है उनमें वर्ण विपथन की प्रॉब्लम जो हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, दूसरी होती है उसमें गोलीय विपथन। गोलीय विपथन और वर्ण विपथन दो वर्ड है, ये इन दोनों का ध्यान रखें और यही इनमें अंतर डिस्क्राइब करता है, गोलीय और वर्ण विपथन। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, दोनों वर्ड। अगर आपको ये कहा जाए कि परावर्ती दूरदर्शी क्यों अच्छी रहती है तो ये दो शब्द याद रखें, ठीक है। अगर ये पूछा जाए दोनों में परावर्ती में और अपवर्ती में क्या अंतर है तो भी ये दो शब्द याद रखें आप। ये यानी जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो एग्जामिनर यही पूछना चाहेगा आपसे कि आप ये दो शब्द लिखे उसके अंदर, क्यों, क्योंकि दोनों का मतलब हम जान लेते हैं क्या है। वर्ण विपथन तो हमने पिछली क्लास में भी डिस्क्राइब किया था, वर्ण विपथन जो है वो तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्क्राइब किया था कि क्या होता है। जो लेंस लगे रहते हैं उन लेंस से जो कलर है वो क्या हो जाता है, विक्षेपण की कंडीशन आ जाती है। अगर श्वेत प्रकाश आ रहा है तो अलग अलग रंगों में कुछ मात्रा में विभाजित हो जाता है, तो इसके कारण जो प्रतिबिंब है वो अस्पष्ट बनते हैं, ये कह सकते हैं अस्पष्ट। दूसरा इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं कि रंगीन बनते हैं, जैसे बाहर से जो लाइट आ रही है वो व्हाइट लाइट आ रही है सनलाइट, लेकिन जब वो उस लेंस से गुजरती है तो प्रतिबिंब तो बनते ही है, उसके साथ साथ वर्ण विक्षेपण की घटना भी कुछ मात्रा में उस लेंस के आधार पर हो जाती है जिससे कलर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो सिंगल कलर का बनना चाहिए था उसमें कलर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और जब कलर मिक्स हो जाते हैं तो वो स्पष्ट हमें समझ में नहीं आता है कि किसके इमेज है वो, किसका प्रतिबिंब है वो समझ में नहीं आता है। ये कंडीशन इसको कहते हैं वर्ण विपथन। और ये किसके कारण होती है, ये लेंसों के कारण होती है। इसका कारण क्या है, लेंस है इसका कारण। थ्योरी में हम बाद में लिख भी लेंगे इस बात को, लेकिन आप इसको समझ गए अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। दूसरा आता है गोलीय विपथन, ये हमने नहीं पढ़ा अभी तक। गोलीय विपथन क्या होता है, लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कुछ जगह पर उनकी मोटाई जो है वो कम होती है और कुछ जगह पर उनकी मोटाई जो है वो ज्यादा होती है। मोटाई अंतर होता है, ये सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, बनने वाले प्रतिबिंब की मोटाई में अंतर होता है। कुछ जगह प्रतिबिंब का जो मोटाई है वो कम होती है, कुछ जगह ज्यादा होती है। इस विपथन को, इस डिफरेंस को क्या बोल देते हैं, गोलीय विपथन बोल देते हैं। ये दोनों ही घटनाएं किसके कारण आती है, लेंस के कारण आती है, लेंसों की वजह से ये होती है। और लेंसों से कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की होती है। और अपवर्तन की घटना के कारण जो इस पर आधारित जो दूरदर्शी होते हैं उसको बोल देते हैं क्या, क्या बोलते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी बोल देते हैं। तो अपवर्ती दूरदर्शी की समस्या क्या है, ये दो समस्या है, गोलीय विपथन और
वर्ण विभक्तन। इसलिए अगर आपको ये दो वर्ड बताए तो आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप दो वर्ड लिख के ये भी बता सकते हैं कि गोलीय विभक्तन का मतलब क्या है। ये कहें कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती की तुलना में ज्यादा अच्छी होती है, कारण बताइए। तो कारण क्या लिखेंगे? नंबर एक, इसमें गोलीय विभक्तन नहीं होता है। नंबर दो, इसमें वर्ण विभक्तन नहीं होता है जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त होता है, रंगीन प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो रीजन है। एक बात और भी, एक रीजन और भी है इसका, तीसरा रीजन और हम बात कर लेते हैं। नंबर तीन क्या है, फिर हम आगे बात करेंगे परावर्ती दूरदर्शी कितने प्रकार की है, कौन कौन सी है, और फिर उनका थोड़ा शॉर्ट में ही है, हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, उनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ी है। तो तीसरा जो इसका रीजन है वो क्या है, जो जिन वस्तुओं को हम बहुत ज्यादा दूरी से देखते हैं, खासकर आकाशीय पिंड जो है, जैसे चंद्रमा है और वो देखते हैं हम, तो उन पिंडों को इतनी दूर से देखते हैं तो क्लियरिटी दिखाई, इतनी अच्छी क्लियरिटी दिखाई नहीं देती है। पूरा क्लियरिटी से देखने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी आवर्धन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। और आवर्धन क्षमता का कंपेरिजन करें तो उसके लिए फॉर्मूला निकाला था हमने, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। और ये बात आप चाहे तो यहाँ से लिख भी लें, हमने लिखे भी थे दूरदर्शी के जो पिछले क्लास थी गुणधर्म उसके अंदर। तो एम पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओ। एफ ओ इज अ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। फोकल दूरी किस कौन सी लेंस की है? ऑब्जेक्ट लेंस की है। तो ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ेगी, उसका द्वारक बड़ा होगा, उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो स्पष्ट प्रतिबिंब दूर की वस्तुओं का देखने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, उसका द्वारक बड़ा होना चाहिए। तो अब जब इतने दूर से देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो बहुत बड़ा लेंस लगाना पड़ेगा। बहुत बड़ा लेंस लगाना पड़ेगा तो वो दूरदर्शी बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है, उसको मैनेज करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक मुश्किल बड़ा काम है, इसलिए भी एक मुश्किल है भी। अगर मान लो कमरे की जितनी अगर बड़ी दूरदर्शी बढ़ गई तो उसको बाहर ले जाना मुश्किल हो जाएगा, देखना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, किसका? दूरदर्शी का। क्लियर? तो ये तीन रीजन है हम कह सकते हैं जो जिनके कारण अपवर्ती दूरदर्शी जो है वो अच्छी नहीं होती है परावर्ती की तुलना में। तुलनात्मक ध्यान रखें कि ये परावर्ती दूरदर्शी जो होती है इसी को ही बेस्ट माना जाता है, किसकी तुलना में? अपवर्ती की तुलना। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम तो हमेशा हमें परमानेंटली सेव हो जाता है ये, कोई ज्यादा बहुत बार पढ़ने की याद करने की रटने की कोई जरूरत भी नहीं है। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि परावर्ती दूरदर्शी क्यों महत्वपूर्ण है और अपवर्ती क्यों महत्वपूर्ण नहीं है। तो इनके अंतर जो है वो आप ध्यान रख लें, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ मैं, आप उसको लिख लें कि परावर्ती दूरदर्शी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या है? परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती की तुलना में अधिक उपयुक्त मानी जाती है, कारण लिखिए। अब देखो अपवर्ती और परावर्ती में अंतर भी पूछ लेते कि अंतर लिखिए तो भी यही क्वेश्चन है। अगर अंतर पूछ लेना, अंतर लिखो प्रावर्ती और अपवर्ती में, तो भी यही बात बतानी है। ठीक है, हम बाद में इसको लिखेंगे, जो हम बाद में डिस्क्राइब करने वाले थे वो भी कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे प्रावर्ती की दूरदर्शी के प्रकार जो है वो, इस क्लास में हम इसी की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो प्रावर्ती अपवर्ती लिख लेते हैं, इधर अपवर्ती दूरदर्शी और इधर ले लेते हैं क्या, प्रावर्ती दूरदर्शी। पॉइंट नंबर एक वो उधर लिखे हैं, उन्हें भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, गोलीय विभक्तन होता है। क्या होता है? गोलीय विभक्तन होता है। अगर आपको ये कहा जाए कि ये परावर्ती अच्छी क्यों है तो भी आपको ये बताना कि इसमें गोलीय विभक्तन होता है, इसमें गोलीय विभक्तन नहीं होता है। दूसरी बात, इसके अंदर वर्ण विभक्तन होता है, विभक्तन का मतलब फैलाव है, वर्ण विभक्तन होता है, जिससे क्या होगा, जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब
नहीं बनता है, ठीक है। या कहते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है, रंगीन प्रतिबिंब बनता है। और इसमें ऐसा नहीं होता है। और तीसरी बात अगर लिखें शॉर्ट में तो क्या लिख सकते हैं कि अत्यधिक दूर स्थित ग्रहों को स्पष्ट देखने के लिए अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। लेंस बड़ा लगाएंगे तो दूरदर्शी भी बहुत बड़ी बढ़ जाएगी, उसको मैनेज करना भी मुश्किल होगा, उसको बढ़ाना भी मुश्किल होगा, इसलिए परावर्तित दूरदर्शी ज्यादा अच्छी है। तो आप ये बात इसमें कनेक्ट और कर दें कि यहाँ से दिख रहा है कि एमपी जो है वो किसके समानुपाती है, फोकस दूरी ऑब्जेक्ट लेंस की के समानुपाती है। तो इसका मतलब अच्छी अपवर्ती दूरदर्शी के लिए ये ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा होना भी मुश्किल कर देता है, इसलिए परावर्ती दूरदर्शी ज्यादा बेटर है देन अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में 167 में कि प्रकार क्या है। तो अभी इसके अंदर आप इतना लिख लें, फिर हम नेक्स्ट में बात करेंगे, इसको याद कर लें, थोड़ा सा समझ लें तो दिक्कत नहीं आएगी।